सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से NFT बना के पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी NFT क्रिएट करने के ऊपर, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। और किस लिए स्पेशल है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। सो अभी मैं सर्च कर रहा था कि कौन सी ऐसी NFTs हैं जो सबसे महंगी बिकी हुई हैं, तो जो रिजल्ट्स मेरे सामने आए ना यार, वो बिल्कुल एकदम शॉक करने वाले थे। आप भी देख के उनको हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहली ये बिपली की है, एवरी डेज का नाम है, और ये वो NFT है जो बिकी है 69.3 मिलियन में। एंड दूसरे वाली जो वो भी बिपली की है NFT, वो ह्यूमन वन, और 28.9 मिलियन में बिकी हुई है, ये वो NFT है। थर्ड पे आप जैसे ही आके देखेंगे तो क्रिप्टो पंक एक ये NFT है, और इसका इन्होंने नाम दिया हुआ है, ये बिकी है 10.2 मिलियन में। ये आदमी देख रहे हैं ना, ये वो NFT है, ये पिक्सल्स में कुछ बनाई हुई है इन लोगों ने। चौथे नंबर की भी क्रिप्टो पंक की ही है, #3110 जो भी इसका नाम है, ये वो NFT है जो बिकी है 7.67 मिलियन में। इसके नीचे भी क्रिप्टो पंक की ही मिलेगी आपको, इसका #78 जो भी नाम है, ये 7.57 मिलियन में बिकी है, और ये वो NFT जो पिक्सल्स टाइप में बनाई हुई है इन लोगों ने। सो एग्जैक्ट मैं यही बात करूंगा कि ये पिक्सल्स वाली जो NFTs हैं, ये आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने फ़ोन से बिल्कुल फ्री में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यार देखो, मैं आप सभी को सिर्फ मेहनत करके ढूंढ के आपको एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकता हूँ, उस पर काम करना, एक्सपर्टीज हासिल करना, वो आप सभी के ऊपर बात है। जितनी मेहनत करते हैं आप, उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। NFT के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है किस तरीके से बना सकते हैं, उस वीडियो को भी आप देख लेना बाद में। तो चलते हैं सीधा अपनी एप्लीकेशन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते। एप्लीकेशन का नाम है 8bit painter। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे पहले से ही प्रीसेट्स आ जाते हैं। ये ऑक्टोपस बनाया हुआ है, हालांकि ये अलग चिड़िया सा रहा है। अभी आप कहेंगे इसमें तो ग्रिड्स वगैरह आ रही हैं, तो आप ग्रिड्स ऑफ करके देख सकते हैं पूरे का पूरा, तो ये रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। ग्रिड्स ऑन कर लें, ट्रांसपेरेंट आपको बनाना है तो ट्रांसपेरेंट ऑन ऑफ कर लें। अभी इसमें सारी ग्रिड्स जो हैं वो फिल करी हुई हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। सो ये इस तरीके के आप बना सकते हैं। अब भी और भी होंगी, ये देख रहे हो ट्रेजर, ये अगर आप इसको ग्रिड ऑफ कर देते हैं तो इस तरीके का रिजल्ट आपको एक्सपोर्ट होने के बाद मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको बनानी किस तरीके से। बहुत सिंपल है, प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है, 16:16 से शुरू करें, जो कैनवास है इसका 16:16 का ही आप लें, आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। यहाँ से प्लस माइनस ऊपर मतलब कर सकते हैं आप, और आप जिस भी ग्रिड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे वो फिल हो जाएगी। अभी बात करते हैं कि इसका कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाएंगे, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, सबसे पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले पे आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी कलर जो है पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, एक कलर चूज़ करें, फिर यहाँ से इसका कितना डार्क लेना है, कितना कम लेना है, फिर इससे इधर करेंगे तो बीच में जो कलर आएगा ना, ये एग्जैक्ट आपका रिजल्ट होगा। तो आप कहीं भी इसको मूव करेंगे एंड यहाँ से इनको सेट करके इसकी डार्कनेस जो भी है वो सारी चीज़ें क्लिक करके, फिर इसके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपको सेट चुनना है, मैंने यहाँ जैसे दो बनाए हुए हैं ना, एक पिंक बनाया था अभी, तो जिसको भी चुनना है उस पर क्लिक कर देंगे, वो वाला कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप उसे जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो ग्रिड पे आ जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ प्रीसेट्स भी हैं आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, इन प्रीसेट्स में से आप चीज़ें चुन सकते हैं। ठीक है, अब आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आती रहेंगी, यहाँ पर क्लिक करके अब पीला आ जाएगा जो भी है। अब आपको मेहनत यही करनी है कि यार आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रिड ऑफ करके देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, आप यहाँ पे ग्रिड ऑफ करके भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड ऑन करते हुए अपना डिज़ाइन करें, आपको पता रहेगा एग्जैक्ट कहाँ क्लिक करने पे क्या रिजल्ट्स मेरे को मिलने वाले हैं। बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाए तो ग्रिड ऑफ करके देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट होने के बाद ये कैसा लगने वाला है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आप ऑन करके ऑफ करके देख सकते हैं, अभी ऑन है तो पीछे का आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट होके आएगा, अभी ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है, ग्रिड को भी हम ऑन कर लेते हैं। अभी आप इरेज वगैरह भी देख सकते हैं जो भी है, अभी हमें कुछ इरेज वगैरह नहीं करना, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और अच्छी मिलती है कि अगर आपके पास फ़ोटो है कोई, तो आप उसका जो है यहाँ पे इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक फ़ोटो इम्पोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। सपोज़ मैं ये वाला फ़ोटो लेना चाहता हूँ, एंड बहुत छोटा सा मैंने एक क्लिक कर लिया, इसको इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक इम्पोर्ट होके आ गया। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं था,
और इस वजह से ये ऐसा लग सकता है आपको। आप फोटोज़ देख लेना ट्राई करके किस तरीके से फोटोज इसमें अच्छे आते हैं। ग्रिड ऑफ कर लेते हैं, ग्रिड ऑफ करके भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं कलर्स में थोड़ा बहुत, जिससे कि इसकी क्लियरिटी आ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेहनत आपको थोड़ी करनी पड़ेगी इसमें। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए शेयर एंड इंपोर्ट पे आप जाएंगे, एक्सपोर्ट पे सॉरी, यहाँ पे 128 पिक्सल पे या 256 पिक्सल पे जो भी, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और बस डन, आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। आप जाके अब अपनी गैलरी में देखेंगे, एल्बम्स में जाएंगे, यहाँ पर ऑल फोटोज़ में जाएंगे और ये आपका रिजल्ट आ चुका है। सो आप आराम से यहाँ पर पिक्सल्स वाले जो भी NFTs है इस वाली एप्लीकेशन का यूज़ करके बड़े आराम से बना सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा आपका हाथ इस पर अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रीसेट्स हैं वो भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और इस तरीके की NFTs मैंने आपको दिखा दिया कि चल रही हैं मार्केट में। जब आप अच्छा खासा बनाने लग जाएँ तो 128 टू 128 में भी करने लग जाएँ काम को, ताकि मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे उतनी अच्छी NFTs बनेंगी। लेकिन आप 16x16 से स्टार्ट करें और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन में काम करना है और किस तरीके से आप यहाँ से NFT क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एप्लीकेशन पसंद आई होगी। अगर एप्लीकेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।